नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक अरुण द्विवेदी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे कुलपति सुरेंद्र दुबे ने मंजूर भी कर लिया। बता दें कि मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी का ये इस्तीफा उस दिन आया है जब गुरुवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थ नगर पहुंच रहे हैं। यूपी सीएम इन दिनों कोरोना संकट के बीच प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्हें गुरुवार को सिद्धार्थ नगर पहुंचना है। हाल ही में ईडब्ल्यूएस कोटे यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य अभ्यर्थी के तहत सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर अरुण द्विवेदी की नियुक्ति पर काफी सवाल उठाए जा रहे थे। आरोप लग रहा था कि अरुण ने गलत ढंग से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हासिल किया। कहा जा रहा था कि सतीश द्विवेदी ने पावर का इस्तेमाल किया। भाई की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होने पर मंत्री सतीश द्विवेदी ने सफाई में कहा था कि उनके भाई की अलग पहचान है, उनके पास अपना प्रमाण पत्र है, लेकिन उसके बाद भी किसी को आपत्ति हो तो वो जांच करवा सकते हैं। हालांकि तमाम विवादों के बीच अरुण द्विवेदी ने बीते शुक्रवार को अपना पद ग्रहण कर लिया था। बता दें कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पद थे, इसमें से एक पद पर डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कुलपति सुरेंद्र दुबे का कार्यकाल 21 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने एक दिन पहले 20 मई को उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया। राज्य सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई की इस तरह नियुक्ति होना किसी को सामान्य नहीं लगा। ऐसे में कई गंभीर सवाल उठाए गए, तो पूर्व अफसर अमिताभ ठाकुर नूतन ठाकुर ने इस विषय में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।